इच्छा तो व्यक्त करना आदमी का अधिकार है, देना जो है सरकार का अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। मैंने इच्छा व्यक्त की है और इच्छा व्यक्त की है तो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए, ताकि अगर मेरे को फील्ड में भेजना है जल्दी करिए, आप टिकट तो तभी देंगे, कल कहीं ऐसा ना हो। आश्वासन दिया था और सीक्रेट बैलेट गया था हेलीकॉप्टर में और परिणाम निकला उल्टा विधानसभा में। ऐसा आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को ठगो मत, क्योंकि 74 साल की उम्र है, अब जीना कितना है, एक लास्ट पारी है, अगर आप उचित समझते तो दो, नहीं तो कहीं और काम दो। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने विशेष स्नेह दिखाया मुझे। जब मैंने टाइम मांगा तो मंत्रीगण इलेक्शन के टाइम, इसने सेशन के टाइम में नहीं देते टाइम, विशेष तो था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का टाइम था प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो किया गया था। उन्होंने ऑफिस में मुझे सुबह के टाइम में 12 बजे बुलाया कि मैं ब्रेक में आऊँगा तो मेरे पास आना। मैं गया और बड़े ध्यान से सुना और जो मैंने आरोप लगाए थे उनको वेरीफाई करने को बोला कि तुमने ड्रेनेज सिस्टम क्यों ठीक नहीं किया और उसका जवाब क्यों नहीं आया। उन्होंने जवाब इतना ही दिया था, एक नाला था उसको हम कलवर्ट बनाना चाहते थे, पीपल ऑब्जेक्टेड। मैं कह इट इज़ नॉट ए फैक्ट, तुम हमको क्यों नहीं बोले, किसने ऑब्जेक्ट किया, व्हाई डिड यू डाइवर्ट द सर्वे। मैंने कहा तुमने जगह जगह सर्वे किया, जिया पुल का सर्वे भी तुमने डाइवर्ट किया है किसी के कहने पर, हाँ ये करिया। और उन्होंने सुना, ना केवल सुना बल्कि उनको कहा इसको इम्प्लीमेंट करो, ड्रेनेज सिस्टम बनाओ और इस जगह को सारी बचाओ। से वो मंत्री है केंद्र में जल संरक्षण के या आपके जल शक्ति के विभाग के, उनसे मिला और उन्होंने भी प्रातः का समय दिया। मैं गया और उन्होंने उस चिट्ठी को ध्यानपूर्वक पढ़ा, उन्होंने कहा महेश्वर सिंह जी, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे 2014-15 में यह तटीयकरण का पैसा मिल जाता था लेकिन स्टैक को भेजा गया वेरिफिकेशन को, कोरोना के टाइम में वो रह गया, अब भी तैयार है, अब तो टोकन प्रोविजन हो गया है 1 लाख का, तो ये 1667 करोड़ रुपया है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मैंने कहा ये ट्रिब्यूटरी जब मैं कहता हूँ तो मेरे को ऐसी बातें लिखी हैं लोगों ने कि भाई पार्वती का भी ध्यान करो, खोखन नाले का भी ध्यान करो, सरवरी नाले का। मैंने कहा इस इनमें पार्वती भी ट्रिब्यूटरी है, जहाँ जहाँ ट्रिब्यूटरी में उसमें भी ज़रूरत होगी आप ये अप्रिशिएट करेंगे। पूरी पार्वती का चैनलाइजेशन कोई नहीं कर सकता, जहाँ करंट फ्लो बड़ा है कसोल इत्यादि जगह जो बह गई यहाँ पर हो सकता है चैनलाइजेशन, वो करना ज़रूरी है तो उसको ऐड करते जाइए, लेकिन पहले इस प्रोजेक्ट का काम शुरू करवा दीजिए।